हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि समर सीजन आ चुका है और गर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गर्मियों के साथ साथ हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स भी कितने बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, और पिंपल्स के बाद होने वाले वो गंदे से डार्क स्पॉट्स, कितने गंदे लगते हैं ना दिखने में। जी हाँ फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अ नेचुरल रेमेडी जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो है पोटैटो फेशियल। जी हाँ फ्रेंड्स, पोटैटो फेशियल करने के बाद आपकी स्किन की सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई, प्लस ये आपकी स्किन को क्लियर बनाएगी, आपकी स्किन को एक इवन टोन दे जाएगी, और प्लस आपकी स्किन को एक ग्लोइंग बनाएगी। ये फेशियल करना बहुत ही ईजी है। ये फेशियल टीनएजर्स से लेके बड़े एज तक के लोग भी कर सकते हैं। इस फेशियल के बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये फेशियल वीक में एक बार ट्राई तो ज़रूर करना है। पोटैटो में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे स्किन के ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और हमारे स्किन के डार्क स्पॉट को दूर करने में हेल्प करती है। इस फेशियल में मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगी, जिसको स्टेप बाय स्टेप आप जैसे मैं बताऊंगी आप बिल्कुल वैसे फॉलो करना। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम ये फेशियल घर पर कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लें और उसको वॉश करके पील ऑफ कर लें। फिर इसको ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लें। ये अब अच्छे से ग्रेट हो गया। अब एक ग्रीन बाउल लें, इसमें हमें पोटैटो का जूस निकालना है। यहाँ पे मैं कॉटन के कपड़े की हेल्प ले रही हूँ, आप चाहे तो स्ट्रेनर की हेल्प भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के इसका सारा जूस निकाल लेना है हमें। निचोड़ने के बाद ये जो पोटैटो है इसे हमें फेंकना नहीं है, ये भी हमारे काम आएगा। स्टेप वन के लिए हमें क्लिंजर बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे 1 स्पून मिल्क ले रही हूँ और 1 स्पून पोटैटो जूस लेंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पोटैटो जूस कम लिया था तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा क्लिंजर रेडी है। फेशियल करने से पहले मेक श्योर आप अपना मेकअप रिमूव कर लें, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टॉवल लिया है और उसको मैंने हॉट वाटर में डिप करके अपने फेस पे इस तरह से टैप टैप करें ताकि हमारे फेस का जो पोर्स है वो खुल जाए और हमारे जो फेशियल है उसका ज़्यादा बेनिफिट मिले हमें। अब इस क्लिंजर को हम एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ये क्लिंजर हमारे फेस से सारी डर्ट, एक्सेस ऑयल और सीबम को रिमूव करेगा और आपको क्लियर स्किन देगा। पोटैटो में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे फेस से सारे डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस को दूर करती हैं, और इसके अंदर मिल्क भी है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आप ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक अपनी पूरी स्किन अच्छे से क्लीन कर लें। स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ आलू, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच चीनी, और इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच पोटैटो जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा स्क्रब रेडी है। अब इस स्क्रब को आप 5 मिनट तक अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। शुगर हमारी स्किन पे नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है और वो हमारी स्किन से सारे डेड सेल्स निकाल के हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और पोटैटो में विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और हमारी स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। आप कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस पे ये स्क्रब सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते रहें। अब हम बनाएंगे मसाज क्रीम। मसाज क्रीम के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच पोटैटो जूस,
और उसके बाद 7 to 8 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी मसाज क्रीम रेडी है। अब ये मसाज क्रीम अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लें और अच्छी तरह से लगाने के बाद अपने पूरे फेस पे मसाज करें। मसाज करने से हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ मसाज टेक्निक्स बता रही हूँ जिसे आप फॉलो करना। इसमें हमने पोटैटो जूस यूज़ किया है जिसके फ़ायदे मैंने आपको बता चुके हैं, और इसमें हमने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आप ये मसाज कम से कम अपने फेस पे 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यूस करते रहें। और हाँ, मसाज करने के बाद आप अपना फेस वॉश मत करना, हम इसी के ऊपर पैक लगाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो मसाज क्रीम है वो सारे आपके स्किन ने एब्जॉर्ब कर ली है। फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेसन मतलब ग्राम फ्लावर, और उसमें 1/2 चम्मच कर्ड मतलब दही, और इस फेस पैक को हम मिक्स करेंगे हमारे हीरो इंग्रेडिएंट मतलब पोटैटो जूस के साथ। पोटैटो जूस की क्वांटिटी आप इतनी रखना कि एक लम्प फ्री पेस्ट बन सके। पैक की कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हैं। अब हमारा फेस पैक रेडी है। अब इस फेस पैक को आप अपने फेस पे लगा लें, आप चाहे तो अपने हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो बेसन है वो हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और हमारे पोर्स को क्लीन बनाता है। दही और पोटैटो जूस दोनों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है और हमारी स्किन को लाइटन बनाती है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन के डार्क स्पॉट को दूर करता है, और डार्क स्पॉट को दूर करने में पोटैटो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है डार्क स्पॉट के लिए। इन शॉर्ट, ये फेस पैक हमारे फेस के लिए फुल ऑफ बेनिफिट्स है। इस फेस पैक को 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये फेशियल? आप इसे एक बार ट्राई करोगे ना, आप पार्लर जाना तो भूल ही जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए आगे चल के यही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।